तो भाई वो आज एक ऐसा गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है जिसका प्राइस तो कम रखा है लेकिन फीचर्स काफी बढ़िया है। जैसे कि 7 GB का रैम, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज, गेमिंग प्रोसेसर, कैमरा भी ठीक ठाक, बैटरी भी अच्छा है, फर्स्ट चार्जिंग भी है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह मिल जाता है। ओवरऑल ये कंप्लीट पैकेज है जिसका बजट कम है उसके लिए। तो अगर आपका भी बजट कम है और आप एक गेमिंग स्मार्टफोन का वेट कर रहे थे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, कौन सा स्मार्टफोन है और क्या कुछ फीचर्स दिया गया है सब कुछ बताऊंगा, डिजाइन कैसा है वो भी दिखाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट दिया जाता है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड किया है, रिव्यू किया है, काफी मस्त वीडियो है गाइस। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज देख लेना। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग फोन का डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। देखिए फोन देखने में काफी खूबसूरत है, आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ। ग्लोसी फिनिशिंग दिया है बैक साइड में, जहां पर आपको ड्यूल कैमरा मिडिल मिलता है, बट ट्रिपल रियर कैमरा है गाइस। और बैक साइड का पैनल देखने में मुझे काफी खूबसूरत लग रहा है। दो कलर में ये फोन को लॉन्च किया गया है। बैक पैनल जो है वो प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट का यहाँ पर यूज किया गया है। अब डिजाइन आपको स्पेशली कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके बताना। अब चलिए जानते हैं यहाँ पर क्या कुछ फीचर्स दिया गया है। देखिए ये फोन एक गेमिंग फोन है बेसिकली। तो यहां पर दोस्तों यूनिसॉक की तरफ से एक गेमिंग चिपसेट मिल जाता है, यूनिसॉक T606। अब आप लोग कहोगे भाई यूनिसॉक का चिपसेट में हम लोग गेम खेल पाएंगे? जी हां, आप फ्री फायर मैक्स आराम से रन कर सकते हो। तो यहां पर दोस्तों आपको 4 GB का रैम मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स और 3 GB का आपको वर्चुअल रैम दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर 7 GB का आपको रैम मिलने वाला है और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया जा रहा है और यह मुझे काफी बढ़िया लगा। साथ में दोस्तों अगर बात करते हैं यहां पर डिस्प्ले का, तो देखिए इस फोन में आपको फुल HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले भी मिल जाता है जो कि और एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं। 6.6 इंच का ये डिस्प्ले है, IPS LCD पैनल है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, तो फुल HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले का क्वालिटी भी बढ़िया है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर अगर बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट का, तो बैटरी डिपार्टमेंट भी काफी अच्छा है। जैसे कि 5000 mAh का आपको बैटरी मिल जाता है और ये बैटरी अगर आप गेमिंग मतलब हेवी करते हो तो एक दिन बैकअप दे देगा, नॉर्मल यूज करेंगे 2 दिन बैकअप दे देगा। फर्स्ट चार्जिंग चाहिए तो यहाँ पर आपको फर्स्ट चार्जिंग भी दिया गया है, 18 वाट का फर्स्ट चार्जिंग है गाइस, वो भी टाइप सी पोर्ट के साथ, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर चार्ज खत्म हो जाता है तो आप फुल चार्ज कर सकते हो फर्स्ट चार्जिंग से। और साथ में दोस्तों यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में बात करूँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा है, वहां पर दोस्तों 16 यानी 16 मेगापिक्सल का आपको बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाता है और मेरे ख्याल से कैमरा आपको एवरेज सा मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। इसी के साथ दोस्तों और एक चीज मुझे काफी अच्छा लगा इस फोन का, जो है फिंगरप्रिंट सेंसर। देखिए ज्यादातर फोन में मतलब 10,000 के अंदर अगर प्राइस आता है इंडिया पे तो भाई साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देता है, बट इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और साथ ही साथ दोस्तों फेस अनलॉक का तो सपोर्ट है, बट ड्यूल ऐप आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये भी फीचर्स दिया गया है और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 दिया गया है गाइस। तो ओवरऑल जो फीचर्स वगैरह है ना, ये कंप्लीट फीचर्स है इस फोन का, मुझे काफी बढ़िया लगा। और ये फोन है दोस्तों आईटेल की तरफ से आईटेल विजन 5 प्लस। कुछ दिन पहले मैंने बताया था आईटेल विजन 5 को लॉन्च किया गया था, अब 5 प्लस को लॉन्च किया गया है और ये फिलहाल अभी बांग्लादेश पे लॉन्च हुआ है आउट ऑफ इंडिया में, बट बहुत ही जल्द ये इंडियन मार्केट में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब प्राइस के बारे में बात करें तो वहां पर 10,000 के आसपास प्राइस रखा है, बट इंडिया पे मुझे लगता है 7-8 हज़ार के आसपास इस मॉडल का प्राइस होने वाला है। और अगर इस प्राइस में आता है तो काफी बढ़िया फीचर्स मुझे लगा। अब यहां पर डिजाइन और फीचर्स के हिसाब से इंडिया पे कितना प्राइस होना चाहिए आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। हाँ, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, यहां पर आपको जेन्युइन कंटेंट दिया जाता है। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।